दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आज वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, आज हमें अपने चीफ गेस्ट को सुनना है, उनसे सीखना है, तो यहाँ पर सिर्फ आपसे आप लोगों से मुद्दे की बात करूँगा, केवल ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, अपना परिचय के साथ में सिर्फ मुद्दे की बात करूँगा। दोस्तों मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूँ, नाम शरद कुमार सोनी, इसी झांसी शहर का रहने वाला हूँ। और दोस्तों इस बिजनेस की जो शुरुआत मैंने की थी, इस बिजनेस की शुरुआत हम सबके चाहते, हम सबके लाडले लीडर, हम सब लोग उनको बहुत दिल से चाहते हैं, मिस्टर सोनू राय जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। और साथ ही में हमारे ग्रेट लीडर, बहुत डायनेमिक लीडर मिस्टर अमित सर, जिनके सानिध्य में आज मैं बिजनेस को सीख रहा हूं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। दोस्तों आज से 3 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत मैंने किया, और बिजनेस को शुरुआत करने के पहले मैं प्राइवेट जॉब में था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। क्योंकि दोस्तों जॉब बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मुझे अपनी लाइफ से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, मुझे अपनी लाइफ से अपेक्षाएं ज़्यादा थी, मेरे सपने बहुत बड़े थे, और मैं देख रहा था कि वो जॉब से पूरे होने वाले नहीं हैं। दोस्तों वो जॉब से पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे, तो मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया जॉब के साथ साथ, और 1 साल पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, और फिर आज मैं 2 साल से फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से आज एक एक करके मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, एक एक करके वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो मैं केवल कल्पना में सोचता था, देखता था। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मेरा एक सपना था, मैं अपनी बेटी को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट दूँ एक गाड़ी, तो मैंने कुछ ही महीने पहले, अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने अपनी बेटी को एक एक्टिवा होंडा की बाइक गिफ्ट की है। एक सपना मेरा पूरा हुआ जो काफ़ी समय से मैं नौकरी के दौरान नहीं पूरा कर पा रहा था, और साथ में अब दूसरा मेरा जो ड्रीम था, और मैं बहुत जल्द क्या मेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, और इस मैरिज एनिवर्सरी में मैं अपनी वाइफ को कार गिफ्ट करने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरा दूसरा भी गोल पूरा होने वाला है बहुत जल्द। ऐसे बहुत सारे सपने जो इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज पूरे हो रहे हैं, जो कभी मेरे नौकरी के दौरान मैं नहीं सोच पा रहा था, और वो शायद ही पूरे हो पाते, ये बिजनेस से पूरे हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये बिजनेस वाकई उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे का अभाव है। दोस्तों जहां तक मैंने समझा है इस बिजनेस को, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे का अभाव है, ये बिजनेस उनके लिए है जिनका पैसा कमाना दोस्तों स्वभाव है, समझ रहे बात को। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, बैठे हमारे साथ में विष्णु झा जी, चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और वहाँ से आज अच्छी खासी सैलरी 40 से 50 हज़ार उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ही पार्ट टाइम आज हमारे साथ उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि सैलरी से कहीं ज़्यादा इस बिजनेस से यहाँ से इनकम ले रहे हैं। दोस्तों हम कितना कमाते हैं, दोस्तों हम कितना कमाते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, वो मायने नहीं रखता, लेकिन हम उस कमाई से कितना बचाते हैं ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों आज भले ही आप कहीं से भी कोई भी इनकम ले रहे हो, लेकिन जब तक आप सेविंग का अपना क्राइटेरिया देखें कि कितना हम सेविंग कर पा रहे हैं, क्योंकि वही बचत आपके आने वाले समय में आपके भविष्य की रणनीति तय करने वाली है, आपके वो सपने पूरे उसी बचत के द्वारा होने वाले हैं। तो वहाँ जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं, मैं भी जॉब में था तो वहाँ सेविंग 1 रुपये की भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज यहाँ पर मेरे सारे खर्चे जो थे यथावत चल रहे हैं, और साथ में मैं एक एक करके अपने सपने पूरे करते जा रहा हूँ। दोस्तों सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगा यहाँ बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, आज जिस व्यक्ति को आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया इस मीटिंग हॉल में,
उसके साथ दोस्तों बिजनेस की शुरुआत करो, बिजनेस की शुरुआत करो। हम लोग सारे लोग आपके साथ में सपोर्ट के लिए, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो आपको यहाँ बुलाया है वो आपका फायदा चाहता है दोस्तों, बहुत बड़ा फायदा चाहता है। इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यदि शुरुआत करते हो तो पाने के लिए बहुत कुछ है। और जिस तरह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ दोस्तों, मैंने अपने जीवन के 40 साल की उम्र तक नौकरी की है दोस्तों, 40 साल की उम्र तक मैंने नौकरी की है, और वहाँ पर मैं एक रुपए की भी सेविंग नहीं कर पा रहा था। और जो भी मेरे बच्चों के सपने थे, आज एजुकेशन की बात करें क्योंकि आज मैच्योर बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी फंड की आवश्यकता थी, वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा था कहीं से भी कहीं तक। लेकिन इस 3 साल ने दोस्तों, इस 3 साल ने मेरे 20 साल की जो जॉब थी उसको बहुत कहीं बहुत दूर बहुत पीछे छोड़ दिया दोस्तों। आज ये इतना बड़ा परिवर्तन इस बिजनेस में मात्र 3 साल में हुआ है। तो दोस्तों ये सारे सपने, सारी आपके जीवन में जो हमारे साथ परिवर्तन हुए, वो सारे परिवर्तन आपके साथ ही हो सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर अपना दिमाग न लगाते दोस्तों। जो भी आपका अप्लाई हो, उसके जो भी बात हो, उसको 100% फॉलो करिए, निश्चित तौर पर वो परिवर्तन आपके लाइफ में भी होने वाला है दोस्तों। थैंक यू, दिस यू ऑल द वे, जय हिंद जय भारत।